रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में नए साल के मौके पर महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और तत्काल सहायता के लिए निर्भया मोबाइल का शुभारंभ एसपी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। निर्भया मोबाइल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत 7049110252 पर कॉल करने पर तत्काल छात्राओं, युवतियों और महिला को मदद उपलब्ध कराते हुए एक्शन लिया जाएगा। निर्भया मोबाइल के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्भया सेल प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके माध्यम से भीड़भाड़ वाले इलाके, विशेष तौर पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के आसपास इसके द्वारा पेट्रोलिंग की जाया करेगी। गौरतलब है कि निर्भया सेल के अंतर्गत शुरू की गई निर्भया मोबाइल के जरिए महिला अपराधों पर कितनी रोकथाम की जा सकेगी, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इसके जरिए महिला अपराधों को काफी हद तक कम किया जा सकता है और तत्काल एक्शन लेते हुए बदमाशों, मनचलों को सबक सिखाया जा सके। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई है पूरी तरह से, और महिलाओं के साथ में अगर कोई अपराध घटित हो रहा है या छेड़छाड़ या ईव टीजिंग जैसी जो कोई घटना घटित हो रही है, तो वो निर्भया मोबाइल के नंबर पे कॉल कर सकती है, जिसका नंबर है 7049110252। और अगर उनके पास ये नंबर नहीं है तो वो पुलिस कंट्रोल रूम से ये नंबर प्राप्त कर सकती है और बेझिझक इस पे कॉल कर सकती है। इसके मूवमेंट को लेकर किस तरह पूरा ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, पार्क है या मार्केट में अन्य जगह है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, अगर महिलाओं के साथ वहाँ कोई घटना घटित हो रही है तो वो निर्भया मोबाइल को कॉल कर सकती है। निर्भया यूनिट इसमें चलेगी, उसको क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराए गए? निर्भया मोबाइल मोबाइल नंबर दिया है, वायरलेस सेट दिया हुआ है, ड्राइवर है, दो पुरुष आरक्षक है, अगर कोई पुरुष अगर किसी के साथ में घटना घटित